लोहाघाट के कॉलीढैक में सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 31 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबी, 80 मीटर चौड़ी और 21 मीटर गहरी झील बनाई गई है, जिसका सिंचाई विभाग के द्वारा सफल ट्रायल किया गया। क्षेत्र में हुई बारिश से झील पानी से लबालब भर गई है और जल्द ही सीएम धामी झील का शुभारंभ भी कर सकते हैं। झील के निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोहाघाट में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और नगर की पेयजल समस्या को दूर करना है। सिंचाई विभाग के अभियंता भुवन पांडे ने बताया कि झील का ट्रायल सफल रहा है। झील के सभी गेट ठीक काम कर रहे हैं। झील पानी से लबालब भरी है। बैराज में कहीं भी लीकेज की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं झील निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक पूरन सिंह फरत्याल ने कहा कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि आज साकार हो गया है। झील को देखकर उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। पूर्व विधायक फरत्याल ने कहा कि इस झील से क्षेत्र की पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ लोहाघाट नगर को पेयजल समस्या से भी निजात मिलेगी। वहीं काफ़ी संख्या में लोग झील देखने को भी पहुँच रहे हैं। वहीं पर्यटन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील में नौकायन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गया है। अपनी जो पूरी सफलता, जिसके लिए मैंने पूरे 10 साल संघर्ष किया जिला पंचायत के टाइम से, लेकिन जब दूसरी बार विधायक बना तो इस कार्य को मैं पूरा फंडिंग दिला पाया, पूरा समाधान करवाया, डैम बन के तैयार हो गया, झील भर गई है। तो आज प्रत्यक्ष लोगों को देखने में आई है कि इस झील का कितना महत्व है। आज बहुत प्रशंसा हो रही है कि जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है आज वो फाइनल होके लोगों को एक सौगात के रूप में यहाँ पर मिला है और भविष्य में इससे ही लोहाघाट नगर को पानी मिलना है, जिसका प्रथम चरण भी मैं स्वीकृति करा के दे गया था। और जो भी हमने कार्य किए हैं अपने कार्यकाल पर वो धरातल पर उतारे हैं और आज बहुत खुशी का व्यक्त है। आज मैं केवल यहाँ पर एंजॉय करने, 2 दिन से कंटिन्यूस बरसात हो रही थी, तो जो 17 से 14 का हमारा लेवल था 2 मीटर फी वो था कम्प्लीट, एक बार भर गई है। अब टेस्टिंग का टाइम है, थोड़ा स्टैग्नेंट होगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि डिस्चार्ज ऊपर से काफ़ी आता है और 2-3 घंटे बाद आता है, तो वो जो पानी है इसका एक गेट का हमने आधा मीटर ऊपर लेवल उठा रहा है, जो उसमें तो सब सेफ दिख रहा है, ये ऐसा कोई कहीं कमी त्रुटि नहीं हो रही है। थोड़ा गेट है, गेट में जो रबर सील है उसमें कंक्रीट एक्सेस होने से उसे रिपेयर कर रहा है। जो 1712 का लेवल तक बनना था वो वहाँ तक हम अचीव कर चुके हैं। अच्छा, झील से ठीक है, धन्यवाद मैम।